साल 2020, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब लोगों को पता भी नहीं था कि वो जिस साल के आने का स्वागत मना रहे हैं, वो साल उन्हें कुछ ऐसा देगा कि जिसे लेकर वो जश्न भी नहीं मनाना चाहेंगे। सारी दुनिया जिस साल के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरी थी, उसी साल सबने वीरान सड़कों की तस्वीरें देखी। घरों में बंद रहने की मजबूरी का कारण बनी कोविड-19 नाम की बीमारी, जिसे सब कोरोना वायरस कहकर बुला रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस से ही पैदा हुई एक नई बीमारी का नाम है। इसके नाम में आने वाले को का मतलब कोरोना है, वी का मतलब वायरस है, और डी का मतलब होता है डिजीज, यानी बीमारी। क्योंकि इस बीमारी की खोज साल 2019 में हुई, इसलिए इसके नाम में 19 भी जोड़ा गया है। विस्तार में इसका वैज्ञानिक नाम 2019 नोवेल कोरोना वायरस भी है, जिसे 2019 एनकॉव भी लिखा जाता है। ये बीमारी सार्स और मार्स जैसी बीमारियों से ही जुड़ाव रखती है। साल 2019 में सामने आई इस बीमारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। दिसंबर 2019 में पहली बार इस बीमारी से संक्रमित मरीज की पहचान हुई थी। वुहान के सी फूड मार्केट से जुड़े लोग इस बीमारी के शुरुआती मरीजों में थे, और इसलिए माना जाता है कि उसी मार्केट से ये बीमारी लोगों में फैलनी शुरू हुई। शुरुआती जांच में चीन के डॉक्टर्स ने इसे सार्स जैसी कोई बीमारी माना, लेकिन जैसे ही ये बीमारी फैलने लगी, कोरोना का खतरनाक सच दुनिया के सामने आ गया। किसी भी आदमी के बाल से 900 गुना छोटा ये वायरस किसी भी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। कोई भी इंसान जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, वो अगर खांसता या छींकता है, तो उसके शरीर से निकलकर ये वायरस उसके पास मौजूद शख्स को अपनी चपेट में ले सकता है। इंसान के शरीर में आंख, नाक या मुंह के जरिए आने वाला ये वायरस किसी सतह पर भी रह सकता है, जैसे कोई भी सामान, और उसे छूने वाले आदमी तक भी ये वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस इंसानी शरीर में सबसे पहले फेफड़ों पर हमला करता है। ये इंसान के सांस लेने के सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और इसी कारण इससे बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, और इसके कारण फेफड़ों को भी काम करने में दिक्कत होती है। फेफड़ों के साथ किडनी, दिमाग और नसों को भी इस वायरस के कारण काफी नुकसान होता है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जाती है। लोगों से दूरी बनाने के साथ ही मिलने पर हाथ ना मिलाने या गले ना मिलकर भी बीमारी से बचा जा सकता है। लगातार हाथ धोते रहने के साथ ही खांसते या छींकते वक्त रुमाल या मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से आते या किसी भी चीज को छूने के बाद आंख, नाक और मुंह में हाथ लगाने से बचना चाहिए। साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग बीमारी को रोकने में सहायक हैं। मास्क के उपयोग और सीधे हाथ ना लगाकर आप इसे फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस के इलाज को ढूंढने की कोशिश कर रही दुनिया आज इसके सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 10 जून तक कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और 70 लाख से ज्यादा इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी 10 जून तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 2,75,000 को पार कर चुकी है। वहीं 7,745 लोगों की मौत भी इस बीमारी के चलते हो गई। पूरी दुनिया को रोक देने वाली ये बीमारी अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
मास्क लगाए लोग, पीपीई किट पहने काम करने वाले, बंद ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की हकीकत बन चुके हैं। दुनिया कोरोना से निपटने के साथ ही धीरे धीरे फिर से चलने की शुरुआत कर रही है, लेकिन जब तक इस बीमारी से निपटने के लिए दवा तैयार नहीं होती, ये बीमारी दुनिया को कमजोर करने की ताकत रखती है। जरूरी है कि हम खुद को इससे लड़ने के लिए तैयार करें और सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। दुनिया में कई तरीके के महामारी को झेल चुके इंसानों के सामने कोरोना एक चुनौती की तरह है। इस लड़ाई में भी जीत हमारी ही होगी, लेकिन हमें खुद को इससे लड़ने के लिए काफी मजबूत रखना होगा।